देख लिया था ना हमने। अच्छा ओनली 21 21 ट्वेंटी कुर्मा टू सा कंप्लीट किया सुल्तान तो हाँ मासूम ने ट्वेंटी कंप्लीट सर कर दिया था। 22 हो गए थे ट्वेंटी सुल्तान टू सुल्तान कंप्लीट हो तब। गए थे। अरे करा देते हैं, फिर से करा देते हैं 22। क्यों थक रहे हो? चल ठीक है। ठीक तो हम लोग आज आज हमारा हो जाएगा द्वितीय प्रकरण, निश्चिंत रहे। किसी को स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रहा है कि सर बहुत फास्ट फास्ट खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा ना? नाइस सर परफेक्ट ठीक है ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो है हम लोग फिर से रिवीजन भी कर पाए। आप जितना रिवीजन करेंगे ना उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या। ठीक यस सर विजिबल है। चलो फिर से कर देते हैं। हमने 21 देखा था, ये है ना कुर्मासन देखा था, उत्तान कुर्मासन। कुर्म कुर्म का मतलब क्या होता है बताओ? कछुआ, कछुआ। कछुआ ठीक है, कुर्म का मतलब कछुआ, मतलब कछु हमारी जो शरीर की स्थिति है वो कछुए के भांति हो जाता है। आप देखो इससे पहले कुर्मासन में क्या था, यह दो हाथ पीछे दो हाथ आगे, इस तरह से था कुर्मासन, सर नीचे। ये देखो कछुए के जैसा है ना, हाथ पैर उस तरह से निकले। यहाँ पे उत्तान कुर्मासन मतलब कछुआ जो है चित्त एक तो होता है, दोनों ही एक्चुअली सही है। एक तो हम इस पे बैलेंस करते हैं जैसे अलसो उत्तान कुर्मासन, और एक और वेराइटी होता है उत्तान कुर्मासन। आप जब पढ़ेंगे देखेंगे कि वज्रासन में बैठ जाओ और आगे के दोनों घुटने बाहर की तरफ खुले होने चाहिए और दोनों हाथ पीछे की तरफ कंधे को टच करते हैं, दिस इज ऑल्सो उत्तान कुर्मासन। लेकिन श्लोक के दृष्टिकोण से हमें समझना है श्लोक क्या कहता है। देखो श्लोक को आप जब पढ़ो ना तो दो तीन बार जरूर पढ़ना, कि आप जब कोई भी आसन निगलेक्ट मत करना। आजकल क्या हो गया ना कि क्वेश्चन कैसे आने लगा है कि श्लोक से देने लग गया है, भले इसमें लाभ नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो श्लोक उठा के दे दे, ठीक है कंप्लीट करे, इस तरह से आधा श्लोक देते हैं और आधा को छोड़ देंगे, फिर आगे कंप्लीट करना है, इस तरह से भी आने लगा है आजकल। तो एक बार एटलीस्ट एक दो तीन बार इसको अच्छे से जरूर पढ़ना है हर एक श्लोकों को। ठीक है, कुक्कुट आसन बंधस्थ कराभ्याम धृत कंधरम पीठम कुर्म वदुत्तान मेतु उत्तान कुर्मकम। कह रहा है कुक्कुट आसन के समान, मैंने बताया था ना कि उत्तान कुर्मासन में सबसे पहले आपको कुक्कुट आसन के जैसा स्थिति बनानी है, लिफ्ट नहीं करना लेकिन हाँ कुक्कुट आसन में जैसे पद्मासन लगाया एग्जाम में आ सकता है। उत्तान कुर्मासन में कौन से आसन का प्रयोग किया गया है पूछ दे, तो उस टाइम पे कुक्कुट आसन दे सकता है। अगर कुक्कुट आसन ना दे पद्मासन भी दे सकता है, वो भी होगा। ठीक है, तो आपको ये लगेगा सर इसमें तो पद्मासन कैसे लगाते, इसमें श्लोक में तो है नहीं, नहीं कुकुटासन तो है। अब कुकुटासन में किसका प्रयुक्त हुआ है? पद्मासन, बद पद्मासन, तो याद रखना पद्मासन का प्रयुक्त हुआ है। तो कुकुटासन में किस स्थिति में आकर कराभ्याम, कर का मतलब हाथ होता है, द्विवचन है, दोनों हाथों से धृत पकड़ना है, किसको कंधे को पकड़ना है, इसी आसन को, पीठ का मतलब आसन होता है, इसी आसन को जो योग के जानकार है उन्होंने कुर्म आसन कहा है। कुर्म मतलब तान, कुर्म के जैसा आपके शरीर हो जाता है, बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं कुर्म आसन। ठीक है, तो याद रखना क्या है कुटासन, ये वर्ड एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है उत्तान कुर्माशन। देखो ऐसे होता है,
चित्त लेटा हुआ है इस तरह से। मंडुकासन, इसमें भी दो है, उत्तान मंडुकासन, मंडुकासन। तो पृष्ठ देशे पाद तला अंगुष्ठौ द्वौ च संस्पृहसे जानु युग्मं पुरस्कृत्य साधन साधन्यन मंडुक आसनम। कह रहा है इसमें कि पृष्ठ देशे, पीठ पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं पृष्ठ प्रदेश, ठीक है। तो पृष्ठ देशे पाद तक पीछे ले जाना है। यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे इसमें तो एक्चुअली श्लोक में और ये इमेज में अंतर है। अब कैसे अंतर है देखो, पाद तल मतलब तलवे को, पैर की जो तलवा है उसको पीछे ले जाना है पृष्ठ देश से, और द्वौच संस्कृत, अब दोनों अंगुष्ठौ द्वौच संस्कृत, अब दोनों पैर के अंगूठे टच होने चाहिए, पंजे बाहर होना चाहिए जैसे वज्रासन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, उल्टा है, जस्ट रिवर्स है, टोज बाहर की तरफ है, पैर के अंगूठे तो टच नहीं हो रहे ना, ये एक्चुअली इमेज में गड़बड़ है। तो आपको वज्रासन बैठना है और पीछे से दोनों पंजे, और इतना सिर्फ पंजे, पैर के जो बिग टो है वो अंगूठा वो सिर्फ टच होना चाहिए, और फिर दोनों पैर की जो एड़ी है वो फैला होना चाहिए ताकि जो आपका जो हिप है वो जमीन से टच हो जाए। और क्या कह रहा है इसमें, जानु युग्मं, दोनों पैर के घुटने को परिष्कृत के साथ और फैलाना है आगे से, बस यही कह रहा है इसमें। तो पहला वाला जो इस नंबर श्लोक का जो हम फर्स्ट लाइन है एक्चुअली उसको बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर अगर देगा भी तो ऊपर का देगा थोड़ा सा तो, और फिर आपको कहेगा कि इसको कंप्लीट कीजिए, ये आ सकता है। तो इस तरह से रहेगा, है ना। और हाथ की स्थिति का वर्णन नहीं है कि हाथ कहाँ पे रखना है, सिर्फ घुटने को इस तरह से करना, दिस इज द मंडुका। हम लोग कैसे करते हैं मंडुकासन, वज्रासन में बैठते हैं और दोनों मुट्ठी बांध के, दोनों हाथों को मुट्ठी बांध कर नाभि के बगल में लगा के फिर नीचे की तरफ झुकते हैं, ये हम लोग करते हैं इस तरह से व्यवहारिक, लेकिन बुक में ऐसा नहीं। उत्तान मंडुकासन, उत्तान मतलब आपको चित्त जो है लेटना है, उत्तान वैसे होता है उसी को कहते हैं ता। कि मंडुकासन मध्यस्थ कर्पूराभ्याम धृप्तम सिरम सिर एतद एतत भेक वदुत्तान मेकद उत्तान मंडुकम। कह रहा है क्या कि मंडुक आसन मत, कि जब आप मंडुक आसन की जैसा आपको लेटना है, मतलब पीठ केवल आपको चित लेट जाइए, इससे पहले हम जो कर रहे थे देख रहे थे, तो इसमें उत्तान मतलब आपको पीठ केवल लेट कर, ठीक है। और कुरपराभ्याम, कुरपर मतलब होता है दो, कुरपराभ्याम मतलब दोनों केहनी को पकड़ना, दोनों के सहारे धृतम सिरम, सिर को पकड़ना है ऐसे पीछे, दोनों केहनी के सहारे पीछे ले जाकर सिर को पकड़ो। और फिर एतत भेकत, और आपके शरीर का जो है भेकत मतलब आप मंडुक मतलब मेढक के जैसा आपको बनाना है शरीर का आकृति, इसी को कहा जाता है मंडुक। इमेज देखो तो और क्लियरिटी आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। देखो पैर की स्थिति मंडुक जैसा हमने किया था, मंडुकासन कैसे कि हल्के घुटने को गैप किया, पीछे से दोनों पैर के अंगूठों को स्पर्श किया, ठीक है, सेम वैसी स्थिति होगी। लेकिन फिर क्या करना है, चित लेटना है पीठ के बगल, क्योंकि उत्तान मंडुक है इसलिए, और फिर दोनों हाथों को सिर से। सर पिक्चर, पिक्चर ये गलत है क्या? कौन सा ये उत्तान मंडूक की? उत्तान मंडूक ही सही ना, ऐसे देखो ना ऐसे, ठीक है, पूरा लेटना है इस तरह से। ये जरूरी नहीं इतना कर्व बने, ये जो हंस कर्व बन रहा है पीठ में, ये इतना जरूरी नहीं कि ये बने नीचे। सुप्त वज्रासन समझो, सुप्त वज्रासन की स्थिति, और फिर लेकिन दोनों हाथ पीछे, ठीक, इमेज ठीक है।
वैसे देखो एक मिनट, हाँ आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। उत्तान मंडूक में आप जैसे हमने पीछे देखा था कहा, ये स्थिति भी हो सकती है। तो हम आपको बताया कि उत्तान मंडूक कैसे ऐसे करके और फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाते, दिस ऑल्सो उत्तान मंडूक आसन। और ये देखो यहाँ पे जैसे ये था सेम वहां पे भी अप्लाई होगा। जब कहते हैं ना कि उत्तान जब होता है तो हम पीठ के बल लेटते हैं, बैक साइड से लेटते, चित लेटना होता है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट यही है, लेकिन वो भी सही है, ऐसा उसको हम काट नहीं सकते कि अपन बैठ के और इस तरह से कर सकते, ये भी कर सकते हो, ठीक है। वो दोनों ही स्थिति ठीक है। जैसे ये देखो ऐसे था, ये हाथ को क्या कर दिया, पीछे ले जा गया, सिर को लपेट, ठीक है। तो दोनों ही स्थिति सही है, आप दोनों ही आप माइंड में रखो। देखो कह रहा मंडूकासन मध्यस्थ, मंडूकासन मतलब हमने ये किया, ठीक है, ये करके फिर दोनों हाथों को, हाँ सही है, आपका भी कहना सही है कि जरूरी नहीं है कि अपन सीधे इस तरह से बैठकर भी और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, ठीक, दोनों ही सही है। सर उत्तान कहेंगे तो ऊपर की तरफ भी तो होता है ना, वो तो मतलब इसलिए कह रहा हूं, आ उस वही बातें कह रहा हूं, जिस और चित्त भी होता है, ठीक है। उत्तान का मतलब लेटने से भी होता है, कहते हैं ना पादोत्तान आसन, पैर को देखो ऊपर उठाते हैं, चित्त लेट कर करते हैं ना, पता है ना पादोत्तान आसन, इसी सिलसिले में है। नेक्स्ट है हमारा क्या, वृक्षासन, वृक्षासन ही है, ठीक। ज्यादा वो कंफ्यूज मत करो कि किस तरह से है, क्योंकि कई चीजें बदल जाती है। मैंने स्टार्टिंग में कहा आसन में हमारे हम जो करते हैं और जो श्लोक में होता है वो अलग अलग है, खासकर इमेज भी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया है, इमेज भी क्या है अलग है और श्लोक में जो कह रहा है वो अलग है। आपको मैं और भी दिखाऊंगा ऐसे एग्जाम्पल, वामो उरु मूल देशे, तो श्लोक पे फोकस करके करो, आपको इमेज से क्वेश्चन नहीं आता, इस श्लोक में जो दिया है उसी पे आता है, ठीक। वामो उरु मूल देशे च याम्य आदन निधाय वै तिष्ठेतु वृक्ष वृक्षवत भूमौ वृक्षासन मिदम विभूमि। वामो उरु मतलब दाएं जंघा के मूल में, मूल देशे, वाम का मतलब क्या बायां, याम का मतलब क्या दायां, तो बाएं उरु, उरु मतलब जंघा, मूल मतलब मूल जो हमारा एक कह सकते हो मूल में जड़ में ना, जंघा के जड़, तो बाएं जंघा के मूल में और याम में पादम निधाए, दाया पैर को रखना है, बाएं पैर को दाएं पैर पे रखा, वही तिष्ठेतु विच्छुदो, और फिर क्या करना है, खड़े होकर तिष्ठ वृक्ष के भांति खड़े होकर भूमि पे, इस इसी को क्या कहा है उसने, वृक्षासन मिदम विदु, विदु जानकार लोग जो हैं इनको वृक्षासन कहा है। इमेज देखो और क्लियरिटी है, देखो ये दाएं पैर को बाएं जंघा के मूल में रखा, ठीक है, और सीधे खड़े हो गया वृक्षासन की भांति, वृक्ष के भांति, और हाथ का पोजीशन नहीं दिया है, बहुत लोग हाथ ऊपर लेके जट जाते हैं, बहुत लोग चेस्ट के पास रखते हैं, ठीक। और किसी किसी इमेज में ऐसे भी प्रयुक्त हुआ है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन कह रहा है सीधे तिष्ठेतु वृक्ष के समान, तो दिस इज एप्रोप्रिएट, सीधे खड़े होना, ये सीधा थोड़ी है। गरुड़ आसन, गरुड़ एक किसका वाहन है, गरुड़ भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का गरुड़। अब गरुड़ देखो, जंघो उर्ध्याम धराम पीड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानुपरि करद्वंदम गरुड़ आसन उच्यते।
जांग उरुबत, लेकिन जांग कि दोनों जंघा धराम पिट्य स्थिर कायो, शरीर को स्थिर करके द्विजना दोनों जंघाओं को, सॉरी दोनों घुटनों को, दोनों जंघाओं को, शरीर को स्थिर करके धराम पिट्य जमीन पे को दबाना है। ठीक है, जानू परिकर द्वंद, और दोनों हाथों को, दोनों हाथों को कहाँ रखना है, जानू घुटनों के ऊपर रखना, इसको कहते हैं गरुड़ आसन। अब ये आपको समझ में आ गया इस लोक। अब इमेज देखोगे, आप जो करते हो वो इमेज है, आप यही करते हो ना, लपेटते हो हाथ को और पैरों को, इसमें तो हाथ नहीं दिया है घुटने पे, लेकिन क्या कहता है श्लोक में, हाथ घुटना पे होना चाहिए। अब देखो जंघाओं और क्या कह रहा है इसमें, घुटनों, दोनों घुटना, पैर को तो दबा ही रहा, पैर से तो नीचे दबा ही रहा है। एक मेरे माइंड में ये भी आता है कि ये आसन जो है कैसे होना चाहिए, एक्चुअली दंडासन के भांति, ये मेरा सोच है। ये इंसान बैठा हुआ है, ये हाथ ये घुटने पे हो ऐसे और सीधा, अगर आप ये देखेंगे ऐसे ही कह रहा है कि जंघा और घुटना दोनों को दबाना है। अब देखो ये जंघा है, ये नीचे प्रेस कर रहा है और ये घुटना भी नीचे जमीन को प्रेस कर रहा है, ऐसा दबाओ और दोनों हाथ को घुटने पर रखो। ठीक है, लेकिन आप इमेज आप जरूर ध्यान रखना, लेकिन श्लोक आपको समझियो, जो श्लोक कह रहा है वो कदापि ये नहीं है। ठीक है, दबाना है किसको, लिखा हुआ धराम पीडिया, धरती को दबाना है। देखो यहाँ लिखा दोनों जंघा और घुटनों से धरती को दबाएं, देह को स्थिर रखें, दोनों घुटने को पर दोनों हाथ रखकर बैठ जाएं। देखो ये बैठ जाएं, स्पष्ट कह दिया है, जो मुझे लगा था कि ये है ना, अब ये खड़ा है, समझ में आ गया ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ये करते हैं गरुड़ासन, एक्चुअली है भी यही, लेकिन इस श्लोक में अलग, तो इस श्लोक के अनुसार आप याद रखेंगे। क्लियर है? नहीं सर, प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए सर, मुझे नहीं समझ आया। अरे देखो बड़ा सिंपल है, देखो अभी ठीक है, देखो जंघो उरुभ्याम धराम पीड़िय स्थिर कायो द्विजानुना, दोनों जंघा दोनों घुटना को धराम पीट्य, धरा धरती को दबाना है, शरीर को स्थिर कायो, शरीर को स्थिर रख के, और क्या करना है, कर द्वंदम जानु परि, दोनों हाथों को जानु मतलब घुटनों के ऊपर रखना है, बस यही कहा है गरुड़ासन में। अब ये जो कह रहा है ये इमेज के साथ मेल नहीं खाता, आप जो करते हैं यही करते हैं, गौमुख आसन जैसा है, जो गौमुख आसन करते हैं सर, तो गौमुख में हैंड ऊपर होता है और पैर जो है ऐसी जम, दोनों थाई हमारी भूमि को तो प्रेस करती है ना। अच्छा हाँ वो भी है, दोनों हाथ को घुटने उस पे रखते हैं, नीज पे रखते हैं, शरीर को स्थिर रखना है। तो वही कह रहा हूँ कि ये तो इमेज, या तो ये ऐसा हो सकता है दबाना है घुटने और जंघाओं को नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए श्लोक याद रखिए, इतना इस चीजों में फंसो मत। आपको मैंने बता दिया कि क्या ड्रॉबैक है, क्या यहाँ पे है इमेज और इसमें, आप इस श्लोक पे फोकस करके याद कीजिए। ओके, छोटे छोटे चीजों में उलझना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आएंगी, फिर आपको समझ जो कह रहा है बस वैसे याद रख लो, डेट्स इट, एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ और सिर्फ इसका, लेकिन हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही याद रखेंगे गरुड़ आसन, यही है होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर है, समझ में आया? चल वीरशासन, देखो बड़ा एक जी, बड़ा, जी, हाँ वीरशासन भी है, इसका इमेज ही नहीं है, कहीं इमेज नहीं मिलता। ठीक है, आपको बहुत समझ में भी नहीं आएगा ये आसन, तो जो नहीं समझ में आए उसको बस इस श्लोक को ध्यान में रखो, आगे बढ़ जाओ, सबसे अच्छा यही होता है, फंसो मत।
समझ लो एक एक वर्ड का अर्थ, श्लोक को ध्यान में रख लो, आगे बढ़ जाओ। ज्यादा किंतु परंतु नहीं करना इसमें। अब देखिए सर, इसके लाभ में सर इसके लाभ में सर आमवत दिया है, तो सर आमवत का मतलब सर गठिया तो नहीं होता है ना सर? हो सकता है अर्थराइटिस, कुछ दिन पहले ही अभी बात हो रही थी आमवत पे। जी सर, वो पिछले क्लास में आमवत की हुई थी बात, तो अभी वहां पे मैंने श्लोक में सर गठिया लिखा हुआ है, तो वो सर गठिया तो नहीं है? वही वही है, आमवत को ही कहते हैं मुझे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, लेकिन वो उससे नहीं पूछेगा, श्लोक याद रखना। ठीक है, आप पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ श्लोक को ध्यान में रख के पूछा जाता है। दैट्स इट। याम्य गुल्फे पादमूले वाम वाम भागे पदेतरम विपरीतम स्पृशेद भूमि वृषासन मिदम भवेत। कह रहा है कि याम्य गुल्फ है, या मतलब दाया, गुल्फ मतलब एरी, दाएं गुल्फ एरी को पाद मूले पैर के मूल में वाम भागे पद, तो इसमें कह रहा है कि बाएं एरी को, बाएं एरी को पाद मूल वाम भागे पदेतरेत, दाहिने एरी पर गुदा द्वार को रखिए और बाएं एरी को गुदा की बाईं ओर रखिए, वाम भागे पदेतरेत बाएं भाग में रखी। ओके, विपरीत स्पृतित भूमि वृषनाद मिदम भवे, तलवों को विपरीत भाग जमीन पे रखें, यह विषयन कहलाता है। अब इमेजिन करो ये कैसा होगा, ये बड़ा मुश्किल है। चलिए, कह तो दिया कि ये बड़ा सरलतम आसन, लेकिन इतना आसान है नहीं। अब खुद इमेजिन कीजिए कि दाहिने एरी पर गुदा द्वार को रखना है, तो दाहिनी एरी पर गुदा द्वार मतलब बैठ गए। ओके, और फिर बाई एरी को गुदा की बाई ओर रखे, बाई को बाई तरफ रखा और दाहिनी एरी पर गुदा द्वार को बैठ लिया। तो इमेजिन करो ये अलग तरह का एक पोस्चर बनेगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इतना आसान है इसको करना। विपरीत तलवों का विपरीत भाग पे जमीन पे रहे, यह विशासन कहलाता है। तो इसको आप याद रखिए, इसमें इसका इमेज भी नहीं है और क्लियर भी नहीं होता ये क्लियर कि भाई इसको कैसे करना है, किस तरह से करना है। थोड़ा सर, एक प्रकार से इस पे बैठना हो गया ना, कि जैसे इस पे कैंटल पे बैठना पड़ेगा। ये आप उदराकर्षण, आप अगर आप जानते होंगे कैसे करते हैं, तो करीब करीब थोड़ा थोड़ा उदराकर्षण के समान मिलता जुलता है। ठीक है, उदराकर्षण क्या, थोड़ा थोड़ा उदराकर्षण के भांति जो है ये है, कम एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता है। अगर आपको मिलता है कहीं इसका पोस्टर वीरशासन का, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे भी बताना। ठीक है सर, है मेरे पास, है ये बुक में है। हाँ सर, वीरशासन का इमेज, वृषासन, यस। आपको मुझे वो कर दो, मैं व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी देख लूँ, मेरे मुझे नहीं मिला एक्चुअली, हो सकता है आपको मिल गया होगा, मुझे नहीं मिला। चलिए, सलभासन है, श्लोक याद रखना, ये थोड़ा सा देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये अलग है, इमेज नहीं है, तो ये आप श्लोक को ध्यान में रखना कि क्या कह रहे हैं, दिस इज यूनिक। सलभासन, सलभासन में इज अ प्रोन पोजिशन, पेट के बल लेटना होता है। अध्यासस्य कर युक्म वक्ष आलंब्य भूमि कर करियोसलाभ्याम, आपने भेजा है क्या? ये कौन सी बुक की है, इसी की है क्या? नहीं सर, ये मराठी की बुक है, बहुत पुरानी है, बहुत सारे उसके एडिशंस आ चुके हैं, ऐसा है। ठीक ठीक कह रहे हैं, सही है। वग देवकुले करके एक जो है उनका है, और बहुत सारा से, मेरे पास तो आकर भी 5-6 साल हो गए, मेरे पास जो आवृत्ति है वो 2005 की है। ओके ओके, मैं देख ले रहा हूँ, एक मिनट। याम्य गुल्फे, आप इसको ग्रुप में डाल देना, सबको फायदा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू।
दाएं अंगुल को पैर के मूल में रखा, सही है, फिर बाएं पैर को उसके ऊपर रख दिया और वाम भागे पर उतरे थे। ठीक है, योनि मुद्रा जैसा ठीक है। ये जो है गौमुख आसन के जैसा थोड़ा। गौमुख आसन में मेरे ख्याल से हम लोग दोनों एड़िया बाहर निकालते हैं ना, इसमें उन्होंने हाँ एक बस एड़ी। बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें क्या है, एक को गुदा द्वार के ऊपर रखना होता है, उस पे मूल में रखना है। ठीक है, चलो थैंक यू एमी जी। तलभासन, थैंक यू सर। सलभासन कह रहा है कि अध्यासस्य सेते कर युग्म वक्ष आलम्ब्य भूमि कर योत स्थलाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति च ऊर्ध्व वदन्ति पीठम सलभम मुनिन्द्रा। कि जमीन पे आप लेट जाओ, सेते मतलब लेटना है, पेट के बल लेटना है, कर युग्म वक्ष दोनों हाथ, वक्ष मतलब आपके चेस्ट के बगल से होते हुए सीधा लेके जाना है, आलम्ब्य भूमि, भूमि जमीन पे, और फिर तरस्तिलो लाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति और च ऊर्ध्व, और फिर क्या करना है, दोनों पैर को पीछे से ऊपर उठाना है और इसी को मुनिंद्रा मतलब जो इसी को मुनिंद्रों ने ऋषियों ने सलभासन बोला। इमेज से देख लीजिए कैसे ये है, दोनों हाथों को इस तरह से बच के बगल से रखते हुए सीधा रखा और पैर को ऊर्ध्व की तरफ लेके गया, ऊपर उठा दिया, दिस इज सलभासन। इसमें देख लेते हैं और क्या याद रख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ लाभ में सॉरी वृक्षासन आ गया, वृक्षासन ठीक, इसको आप याद रख लेना कि मतलब कैसे याद रखोगे, ऊपर वाले जो लाइन है श्लोक है उसको याद कर लेना। अगर आप इसमें और ऊपर की तरफ लेके जाओगे पीछे से भी, दिस इज स्कॉर्पियन पोज, ठीक है, वृश्चिक आसन हो जाता है फिर। थोड़ा वृश्चिक या पूर्ण सलभासन, इसका जो सेकंड लाइन है पादौ च शून्ये च वितस्ति, इसका मतलब क्या होगा सर? दोनों पैर शून्य से वितस्ति भर, वितस्ति हाँ ऊपर उठाना है, और वितस्ति च ऊर्ध्व मतलब वितस्ति भर ऊपर उठा दिया, शून्य ऊपर की, शून्य का मतलब क्या है यहाँ पे ना, शून्य खेचरी से लिया हुआ है, शून्य मतलब आकाश, आकाश में उठाना है दोनों पैरों को, पादौ च शून्य, शून्य का अर्थ यहाँ पे तात्पर्य है हवा में उठाना, शून्य मतलब आकाश, आकाश में उठाना, ठीक है, तो हम ये सोच रहे थे जमीन से वितस्ति भर उठाना है, ऐसा नहीं है ना कि जमीन से वितस्ति, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, 9 इंच तक उठाना सर ना, 9 इंच, 9 इंच, 9 इंच, ठीक है, तो और वितस्ति च ऊर्ध्व, और वितस्ति भर ऊर्ध्व ऊपर उठाना है दोनों पैर को आकाश में, इसका मतलब ये, ठीक है। और कहते हैं वद, वद मतलब कहना, वदंती पीठम, पीठ मतलब आसन, सलभ सलभ आसन, किसने कहा है, मुनिंद्रों ने, ऋषियों ने इस आसन को सलभ आसन कहा, ठीक है। देखो ये इस तरह से अगर आप पूरे लेके जाओगे तो थोड़ा सा स्कॉर्पियन पोज के जैसा हो जाता है, स्कॉर्पियन पोज में तो हाथ थोड़ा चेस्ट के पास रहता है, लेकिन इसको भी कह सकते हैं या पूर्ण सलभ आसन कह सकते, मकर आसना क्रोकोडाइल पोस्चर, ये भी प्रोन के पोजीशन में है पेट में, ये भी रिलैक्सिंग पोज होता है, ये कि अध्यास से सेते पेट के बल लेटना है, अध्यास सेते मतलब पेट के बल, ठीक है, पेट के बल प्रोन पोजीशन में लेटना है, हृदयम निधाय भूमौ, एक सर करते हैं थोड़ी क्लास, हृदयम निधाय भूमौ च पादौ प्रसारय, मानो पेट के बल लेट चाहिए, ठीक है, और हृदय निधाय दोनों हाथ
मतलब हृदय के पास, चेस्ट के पास रख के, भूमि पे रख के, हृदय निधाय भूमौ च पादौ, भूमौ च मतलब दोनों हाथों को चेस्ट के पास रख के भूमि पे, इसके बाद च पादो प्रसर, दोनों पैरों को फैला लेना है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ फैला लेना है। क्रोकोडाइल पोस्चर में ऐसे होता है कि पंजों को बाहर, हील को इनसाइड, टोज आउटसाइड, पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके गए ऐसे। शिरस्थ घृत्वा, धृत्वा कर दंड युग में, कर मतलब हाथ, दोनों हाथों को सिर से पकड़ लेना ऐसे, है ना। और कहाँ है, चेस्ट के पास है, इसलिए कह रहे हृदय ने, हृदय के पास, ठीक है। और भूमि पे, जमीन पे रखना है, और फिर दोनों हाथों से सिर को पकड़ना है, धृत्वा पकड़ना है। ये होता है मकर आसन। इसका लाभ ये बता दिया, इसका लाभ क्या है, देह अग्नि कारकम मकर आसन तत्व, आपकी जठराग्नि तीव्र होती है, ठीक है, आपके शरीर के अंदर की जो अग्नि है वो तीव्र होती है, लाभ हो गया, ये याद रखना, ठीक है। इस तरह से देखो, ये देखो, ये दोनों हाथ क्या है, चेस्ट के पास, एल्बो में, दोनों हाथों सिर से पकड़ा, दोनों पैरों में गैप है। पुष्टरासना, कैमल पोस्चर, इसमें भी कह रहा है कि अध्यास सेते पद्म युग में व्यस्तम पृष्ठे निधाय अपि धृतम कराभ्याम आकुंच सम्यद्युद उदारास्य गाढ़म उष्ट्रम चपिठम यत यो वदन्ति। कराए कि अध्यासेते मतलब अधोमुख लेटे और दोनों पांव को पलटकर पीठ पे टिकाते, मतलब आपको नीलिंग पोजीशन है एक्चुअली, ये घुटने केवल बैठ जाओ, देखो ये ऐसे घुटने के बल मतलब खड़े हो जाओ, बैठो मत, खड़े हो जाओ, और फिर पीछे की तरफ पृष्ठ निधाय धृतम कराभ्याम, हम दोनों हाथों से पकड़ना है, पृष्ठ मतलब पीछे की तरफ जाके पकड़ना है। अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं कहा है कि आप किसको पकड़ना है, लेकिन जनरली आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो एडी को ही पकड़ना होता है, पीछे पकड़ना, आकुंज समुद्रा, और ये आकुंज पेट का जो होता है संयुद्ध उद्याद, यहाँ पे कह रहा कि पेट का जो होता है ना खिंचाव, मतलब आकुंचन थोड़ा होता है इसमें, उधर का पेट का, इसलिए ये वर्ड आया है, इसी को उष्ट्रासन कहलाया है, इसी को कहते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर, अधोमुख लेटे और फिर पाँव को हाथों से पकड़कर मुख और पाँव को धृत से कर ले। यहाँ पे आकुंचन है, ये सिर्फ पेट का है, ये उष्ट्रासन कहला रहा है, ठीक है, इसमें कोई लाभ नहीं है इस श्लोक में। दो श्लोक और रह गया है, तो भुजंगासना, ये भी हमारा क्या है, प्रोन पोजीशन है, पेट के बल लेटने वाला है, कोबरा पोषण भुजंगासन। अंगुष्ठाना अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधोभूमौ च विन्यसेत धराम कर तालाभ्याम धृत्वो ऊर्ध्व शीर्षम फनी वही देहा अग्नि विवर्धते नित्यम सर्वरोग विनाशनम। ये लाभ हो गया, जागृतिम भुजंगी देवी भुजंगा भुजंगास साधना। कह रहे हैं कि भैया आप इसमें क्या करो कि दोनों हाथों को अंगुष्ठा नाम नाभि पर्यंत अधोभू पेट के बल लेटकर, ठीक है, पाँव के तो पीछे, पाँव को अंगूठे से नाभि पर्यंत शरीर को धरती पर रखें, हथेलियों को भी धरती पर टिकाकर सिर को सर्प के समान ऊंटा उठा ले। इसमें सिंपल सी है कि पेट के बल लेट गए, ठीक है, अंगुष्ठ नाभि पर्यंत अधो भूमि पेट के बल लेट गए भूमि पे, और धराम कर दोनों हाथों को जमीन पे टिकाया, करतल मतलब हथेली, करतल मतलब होता है हथेली, दोनों हथेली को करतलाभ्याम दोनों हथेली को धृत्वो ऊर्ध्व शीर्षम ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर उठाना है, किसको, शीर्ष को ऊपर उठाना है, किसके भांति, फनीव ही, फनीव मतलब यहाँ सर्प के भांति उठाना है, इससे क्या होता है, देह की अग्नि मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जो इसका नित्य अभ्यास करेगा उसको सर्व रोग विनाशम
सारे रोगों का नाश होता है और भुजंगी देवी जागृत होती है। भुजंगी देवी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? Have you any idea? कुंडली, कुंडली सर, कुंडलिनी के लिए, भुजंगी, कुंडलिनी, कुटांगली, कुंडलिनी जागरण, शक्ति। आप इसके पर्यायवाची शब्द हट पर दीपिका में बहुत पढ़ेंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं भुजंगासन। तो लाभ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भुजंगासन का लाभ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से सर लास्ट श्लोक का लास्ट आसन योगासन सिंपल है। उत्तानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुना जानुनोः आसनोपरि संस्थाप्य च उत्तानम् कर युग्मम् पुरकै वायुर्माकृष्य नासाग्रम अवलोकयेत् योगासनम् भवेत् योगिनाम् योगसाधने। इसमें कह रहा है कि भाई उत्तानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्य जानुनो, घुटने पे रखना है इसको, मतलब एक पैर को स्थापित करना है, ठीक है, उसके ऊपर रखना है, स्थापित करना है घुटने को। आसनो परिसंस्थाप्य च उत्तानम कर युग्मम, और दोनों हाथों को उत्तानम च स्थापित, मतलब घुटने पे रख लो नॉर्मल, मतलब एक एक मतलब कि अर्ध पद्मासन की स्थिति याद करो, और फिर वायु का आकर्षण करके नासिका के अग्रभाग को देखना है। याद रखना योगासन में दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? नासिका के अग्रभाग पे, नासिका ग्रह दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है। और फिर कहते हैं योगासन भवेत योगी नाम, आपको नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास योगियों को जो है करना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं? योगासन कहते हैं। योग साधना के लिए आपको रोज ही इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका इमेज देख लो इस तरह से, अर्धपद्मासन, अर्धपद्मासन। ये हमारा 32 आसन हो गया। इसमें याद क्या रखोगे? दृष्टि, ठीक है, वायु कि पुरकई वायु, मतलब इनहेल करते हुए बताया कि श्वास लेते हुए अंदर खींचना है और फिर नासिका के अग्रभाग को देखना है। चलो अब ये तीसरा प्रकरण है वो हम लोग कल से पढ़ेंगे, मुद्राबंध प्रकरण। सर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि 25 मुद्राएं हमें पढ़नी है इसमें, तो ये भी बड़ा है, हो जाएगा ये, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी को प्रश्न है सर? वृक्षासन में सिर्फ एक ही पैर से बताया गया है, इसे दोनों पैर से नहीं करना है? नहीं, एक वाला, सीधा वाला, सीधे जो है ना वही है वृक्षासन, घुटने जो नीचे टेका हुआ है उसको नहीं करना, ठीक है। कल का बहुत इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर रहेगा मुद्रा बंध पे, तो उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। अभी तक जो भी पढ़ा उस समझ में आया? द्वितीय प्रकरण, द्वितीय प्रकरण पढ़ के आना अच्छे से, हम पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, एक बार रीडिंग कर लेना सारे ही इसको 32 आसन, और नाम जो है 32 आसनों के नाम आपको जो है याद होने चाहिए।